दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आज घर से लेट निकला हूँ, 12 बज चुके हैं और बैंक जा रहा हूँ जोनी के काम से। तो चलते हैं बैंक। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं बैंक जा रहा हूँ, तो मैं बैंक आ चुका हूँ। देखिए बैंक है, तो चलते हैं अंदर और जोनी का काम है वो करवाते हैं। तो अंदर जा गया और अंदर जाके मैंने पैसे जमा कराए, जोनी का अकाउंट में पैसे जमा कराए। और जमा कराने के बाद में मुझे मालूम पड़ा यहाँ कि भाई उसके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो कुछ पैसा जमा कराया, पैसा जमा करा दिया, अब चलते हैं दोस्तों। पेट्रोल पंप पे आया हूँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, रिजर्व में गाड़ी चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पेट्रोल भरा है। तो भाई से पेट्रोल भरा थे, भाई भर दो पेट्रोल। ये आप देखिए, देख पा रहे हैं ये पेट्रोल स्टार्ट हो चुका है भरना थोड़ा सा। ये देखिए आप, तो पेट्रोल भराना बहुत ज़रूरी गाड़ी में। और जीरो ये भाई घेरा, इधर देखो एक बार, क्या नाम है? राहुल। राहुल, राहुल है भाई और ये गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। बहुत ही अच्छा लड़का है, हसमुख लड़का है। दोस्तों अभी पेट्रोल भराया फतेह पेट्रोल पंप से, और उसके बाद में मैं कलेक्टिव पर आ चुका हूँ, यहाँ मिलना है किसी से। वो बोल किसी को परेशानी है, तो उन्होंने फ़ोन किया था तो कि केपी जी मिलो, तो हम लोग मिलते हैं। तो गोविंद जी आए हुए हैं नैनवा से और ये मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा यार तिब्बती मार्केट कहाँ है, नेपाली कहाँ है? तो हम लोग आए नेपाली मार्केट में, तो इनको कुछ खरीदना है और देखना है नेपाली मार्केट, तो देखते हैं, चलते हैं अंदर। हम लोग आ चुके हैं नेपाली मार्केट में और नेपाली मार्केट में गोविंद जी कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, तो देखते हैं इनको पसंद आता है कि नहीं आता है। दोस्तों हम लोग अभी नेपाली मार्केट में आए थे और नेपाली मार्केट में गोविंद जी ने कहा कि यार कुछ ख़रीदारी करेंगे मिसेज के लिए, लेकिन उन्होंने ख़रीदारी तो करी, पसंद आई, लेकिन वो महंगी थी इसलिए ख़रीदारी नहीं करी। तो इसलिए चलते हैं। अभी मेरे को गोविंद जी मिले थे, गोविंद जी के साथ में हम लोग हाउसिंग बोर्ड आए हैं, और हाउसिंग बोर्ड में मेरे को देखो ये मिली, क्या नाम है? जिज्ञासा। जिज्ञासा है इसका नाम। और स्कूल में पढ़ती है क्या? कौन सी में? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? तेरे पापा क्या नाम? इसके पापा का नाम ब्रह्मदेव मावर बता रही है, और ये बहुत अच्छी लड़की है, और इसको हम लोग कहेंगे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई करें, है ना, पढ़ेगी। तो अभी क्या है कि गोविंद जी आए थे, गोविंद जी गए नैनवा, अब हमारा बाबूलाल आ गया। भाई बाबूलाल को लेकर जा रहा हूँ मैं एक जगह, तो चले बाबूलाल? बिल्कुल चलते हैं। तो ये कह रहे हैं चलते हैं और कहीं कुछ पैसे लाने हैं, तो पैसे लेने जा रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो लाते हैं, क्योंकि हमारे पूरन बाबा है चौथे बरोड़ा से, उन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं और टोगी के लिए, टोगी को दूध वूध पिलाने के लिए, तो वहाँ चलते हैं। दोस्तों सुबह लाइव के माध्यम से मैंने टोगी के लिए अनुदान मांगा था, और उस अनुदान फ़ोनपे के नंबर मैंने सोनी जी के दिए थे, कृष्णानंद सोनी जी के, उनकी दुकान पे मैं खड़ा हूँ, तो उनसे मैं पेमेंट लेने आया हूँ। तो कितना पेमेंट आया वो हम लोग बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनके विचार, सोनी जी के विचार। तो चलते हैं सोनी जी के पास। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सोनी जी के पास में, सुबह फ़ोनपे नंबर इनका दे रखा था, तो इन पे ही पेमेंट 1000 रुपये पूरन बाबा चौथ का बरवाड़ा, 100 रुपये रमेश जी राम सिंहपुरा, 100 रुपये कृष्णानंद सोनी, 200 रुपये घनश्याम जी एडवोकेट, 100 रुपये अमर सिंह जी बावनवास की तरफ से प्राप्त हुए हैं, उनमें टोटल कुल मिला के 1500 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये केपी सिंह जी द्वारा चलाई गई एक अच्छी पहल है, इसमें केपी सिंह जी निर्जीव जीवों के लिए जो सहयोग करते हैं उनको वो करते हैं, वो एक अच्छी पहल है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। पैसे दीजिए भाई, पैसे भी ले लेते हैं, इन्होंने कह तो दिया लेकिन पैसे भी तो लेना जरूरी है, जो अनुदान आया उस अनुदान को लेना भी जरूरी है, और आप लोगों को भी बताना जरूरी है कि वास्तव में अनुदान आया था। तो मैं आप लोगों को अनुदान भी दिखा देता हूँ। जी जी सर, ये देखिए सर, ये अनुदान 1000 रुपये तो पूरन बाबा की तरफ से आए चौथ करोड़ से, और 200 रुपये जो आए वो घनश्याम योगी जी के एडवोकेट ने, 100 रुपये जो इनके क्या नाम कृष्णानंदन जी के, और 100 रुपये भावनवास से, तो ऐसे करके 1500 का अनुदान आया। और मैं जिन्होंने भी अनुदान किया उन सबको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना। दोस्तों अभी मेरी टीपू से बात हुई थी, और टीपू बोला कि मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ, तो उसको लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके हिस्से की मूंगफली रखी हुई है, क्योंकि मूंगफली के लिए उसको कहा था, वो काफ़ी पसंद करता है मूंगफली, तो उसके लिए मूंगफली रखी है, तो उसको मूंगफली खिलानी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ टीपू को लेने। तो चलते हैं टीपू को लेने। दोस्तों टीपू को घर पे लेने गया था, और घर पे ले जाने के बाद मैं उसको मैं लेके आया हूँ विनोद की दुकान पर, विनोद की दुकान पर उसको मूंगफली खिलाएंगे, क्योंकि मूंगफली काफ़ी शौक है उसको, तो चलते हैं और टीपू को मूंगफली खिलाते हैं। दोस्तों आ चुका हूँ मैं, और ये देखिए मूंगफली की बात कर रहे थे, तो मूंगफली भी लेके आया हूँ, हमारे टीपू भाई को मूंगफली पसंद है, तो टीपू भाई मूंगफली आ चुकी है? बिल्कुल मूंगफली आ चुकी है, आप बैठ के खाएंगे। और मूंगफली पसंद भी आपको? सर्दी में मेरे को मूंगफली बहुत पसंद है, और खानी चाहिए, सबको खानी चाहिए, है ना? हाँ, गरीबों का बादाम है और बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कह रहे, क्या बात कही है टीपू भाई ने, कही गरीबों का बादाम है और सबको खानी चाहिए, और क्योंकि बादाम तो हम नहीं खरीद सकते, लेकिन मूंगफली खरीद कर तो खा लेनी चाहिए, किफायती दामों में और कम दामों में जो है आपको मिल जाती है, अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। तो चलो मूंगफली खाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे टीपू भाई मूंगफली खा रहा है, मूंगफली का आनंद ले रहा है। तो मूंगफली कैसी लगी? बहुत अच्छी मूंगफली है, टेस्टी है,
और मीठी मूंगफली है, ये कह रहे हैं टेस्टी भी है और मीठी मूंगफली है, तो आनंद ही अलग है मूंगफली का। तो यार सर्दी में तो बहुत ज्यादा आनंद, सर्दी में तो बहुत ज्यादा आनंद है, ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो खाते हैं मूंगफली, खाते रहिए। दोस्तों विनोद की दुकान पर टीपू बैठा रहा, मैं बैठा रहा, करीबन राजा का इंतजार किया आधा घंटा बैठकर, लेकिन राजा अभी तक नहीं आया। और हम लोग ओस में बैठे हुए थे, ओस पड़ रही है, ओस में बैठे हुए थे, भीग गए। तो टीपू बोला कि चलो यार जाओ, मैं भी जाता हूँ, तो वो दुकान जा रहा है और मैं घर जा रहा हूँ। और राजा का काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। दोस्तों आज काफ़ी काम किए, और अगर बात करें तो 12 बजे मैं घर से निकला था, फिर बैंक गया, बैंक काम किया, बैंक के बाद में फिर मुझे कुछ कॉल आ गए, उनके पास गया, फिर गोविंद जी आ गए नैनवा से, उनके साथ गया, फिर हाउसिंग बोर्ड गया आंटी जी से मिलने, और उसके बाद में मैंने कुछ और काम किए, बाबूलाल मेरे साथ रहा, और जिन्होंने आज अनुदान दिया था डोगी के लिए उन लोगों के पास गया। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी काम किए, और उस भागदौड़ की ज़िंदगी में शाम हो जाती है, सर्दी पड़ने लग जाती है, तो घर जाना होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए तो घंटा ज़रूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हो करम की।